से मुल्क है, तो उन्होंने पिछले 5 सालों में 803 ट्रेन बनाई हैं पिछले 5 सालों में, जो कि मेड इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके उन्होंने ट्रेन बनाई है। सर, आप इसको कैसे देखते हैं, इस अचीवमेंट को? बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, जिस तरह वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर रहे हैं और अपने रेलवे सिस्टम को बहुत तेज़ी से आगे लेकर जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं इस बार ये कहूँगा कि रियासती मुल्क है वो, एक वहाँ पर करप्शन जो है मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे इतनी ज़्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं। आईटी में भी देखा जाए, रेलवे आप स्ट्रक्चर बता रही है वहाँ पे इतना ज़्यादा हो रहा है, तो ये उनकी आवाम को और उनके जो हुक्मरान हैं मेरे ख्याल से वो अच्छा काम कर रहे हैं और अपने आवाम का सोच रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाम जो है अपने हुक्मरानों के साथ हैं और उनके साथ खड़ी हुई है। यही वजह है कि वो लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं और रेलवे का स्ट्रक्चर जो है आईटी में है और दिगर काम है उसमें आगे जा रहे हैं। नहीं, ज़ाहिर है उनका सिस्टम तो जो है बहुत अपडेट है और उन्होंने बड़ी तवज्जो भी दी है। हमारे यहाँ तो ये सियासी भर्तियों के अलावा रेल में हुआ ही कुछ नहीं है, तो इसीलिए ये दिन ब दिन नीचे ही जा रहा है और जो ट्रैक्स अंग्रेज़ बना के चला गया था उसके बाद तो कोई ट्रैक देखने में नहीं आया और बहुत सारे ट्रैक्स जो है वो तो अब बंद हो चुके हैं। देखें, इंडिया इंडिया इंडिया, मैंने पहले भी, मुझे कुछ लोगों ने और मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं इंडिया से, वो ये कहते हैं कि यार हम लोग तरक्की कर गए हैं और पाकिस्तान में भी हम लोग ये चीज़ मान चुके हैं। मैम, हम लोग ये चीज़ मान चुके हैं कि इंडिया हर फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में, आईटी की फील्ड में, एजुकेशन के जो है उसमें, हर चीज़ में पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। और अगर उन्होंने ये ट्रेन्स वगैरह बनाई हैं, अब तो मेरे लिए पहले, लेट्स सपोज अगर आज से 2 साल 3 साल पहले या 4 साल पहले आप मेरे से ये क्वेश्चन करती, मैं कहता हाँ वाकई, अब मेरे लिए ये एक आम बात है इंडिया ने ट्रेन्स बनाई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं हैरान हूँ या कोई भी हैरान हो, पढ़ा लिखा इंसान, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया बहुत तरक्की कर चुका है और वो अब ये ट्रेन्स, क्या मैं कहता हूँ जहाज़ भी बनाएगा। जिस हिसाब से आज की डेट में भारत का जो रेलवे सिस्टम है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और हम देखते हैं कि वो बहुत आगे जा रहा है अब ग्रोथ के हवाले से, और इस सब का क्रेडिट किसको जाता है, जिस तरह वो डेवलपमेंट कर रहे हैं उनकी गवर्नमेंट के जाता है या फिर कोई और फैक्टर भी है कि जिस हिसाब से वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं? ये सब चीज़ें जो होती है ना, गवर्नमेंट के खाते जाती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ही जो है वो मुल्क में तरक्याती काम करवाती है, जिसकी वजह से आवाम उनको इलेक्ट करते हैं। मोदी को जितना भी लोग बुरा भला कहते हैं, मगर वो दोबारा इलेक्ट होकर आया है इसकी वजह कि उसने कोई काम कराए होंगे, तो उसकी वजह से इलेक्ट होकर आया है। रेलवे में काम कर रहा है, रेलवे स्ट्रक्चर उसने बिछाया है, काम किया है तो लोगों ने इसको वोट दिया है और लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। काम नहीं करेगा, लोग उसको वोट नहीं देंगे ना सपोर्ट करेंगे। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के सर जाता है सारा, और गवर्नमेंट का काम भी यही होता है कि वो आवाम की खिदमत करे, आवाम के फलाह बहबूद के लिए काम करे, नस्ल का तफरीक किए बगैर सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए काम करे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, मगर उस पार्टी के लिए नहीं बल्कि अपने आवाम के लिए काम किया जाए, और जो कि मुझे लगता है वो कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर किसी घर का माहौल, किसी घर की एनवायरनमेंट या किसी घर का निज़ाम बेहतर होता है तो उसकी क्या रीज़न होती है, आप मुझे बताएं? उसके घर का सरबराह बेहतर होता है ना, तो इसलिए वो निज़ाम बेहतर होता है। तो मेरा, आपने ये जो क्वेश्चन किया उसका जवाब यही होगा कि भाई उस वो इंडिया की जो उनसे पॉलिटिकल जो उनसे बड़े लोग हैं, जो इंडिया को चला रहे हैं, जो उनके वज़ीर आज़म हैं या इसके अलावा जो भी लोग उनके इस निज़ाम के अंदर हेड कर रहे हैं, ठीक है, ये उन्हीं का किरदार है। वो पढ़े लिखे लोग आगे ले के आए हैं। मोदी खुद तो चाय वाला है, खुद तो चाय वाला है, लेकिन वो इतनी अकल रखता है कि पढ़ा लिखा इंडिया होगा, पढ़ा लिखा मुआशरा होगा तो ही तरक्की करेंगे। हमारे इधर आप बता दें कितने वज़ीर हैं जो पढ़े लिखे हैं, कितने जो उनसे हैं मतलब इस तरह के बड़े बड़े ओहदों पे हम फायज हैं और मैट्रिक एफए बीए पास हैं, और वो भी अक्सर की 50% की डिग्रियाँ जैली हैं पाकिस्तान में। ये रीज़न है कि इंडिया में अगर तरक्की हो रही है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम पे वर्क करें, पाकिस्तानियों को चाहिए। और इंडिया अगर तरक्की कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि वो एजुकेशन सिस्टम पे वर्क कर रहा है, और दूसरे नंबर पे अगर उनका जो इंडिया का एक मतलब ये है कि ज़ाती मामलात में वो आपस में उलझते रहते होंगे इंटरनल मामलात में, लेकिन जहाँ पे उनके मुल्क की बात आती है, इंडिया की बात आती है, वो लोग एक हो जाते हैं। आप अभी देख लें, एक कॉमन सेंस वाली बात है और बिल्कुल एक मतलब ये है कि आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी कोई भी वीडियो निकाल लें जो इंडिया के रिलेटेड है, पाकिस्तान ने बनाई हो, आप नीचे कमेंट देखिएगा, यकीन माने वीडियो पाकिस्तान से वो अपलोड हुई है, वीडियो पाकिस्तानी यूट्यूबर ने बनाई है, लेकिन अगर वो इंडिया के ख़िलाफ़ है तो ऐसे लाइन लग जाएगी और पाकिस्तान कोई नहीं बोलेगा, कोई पाकिस्तानी नहीं बोलेगा। इवन अगर अप्रिशिएट करने की बात है मतलब यूट्यूबर्स को, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपकी फील्ड ही है, मैं उस हवाले से आपको मिसाल दे रहा हूँ। आप ये बताएं कि कोई एक यूट्यूबर बताएं पाकिस्तान का जो इंडिया में उसे सराहा ना गया हो, जो अच्छा काम कर रहा हो, आप कोई एक यूट्यूबर बताएं। इवन इंडिया पाकिस्तान के टॉपिक्स पे जो वीडियोस बनाते हैं, आप बताएं पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में देखी जाती हैं, उसकी एक रीज़न है, उधर एजुकेशन ज़्यादा है, उधर एजुकेटेड लोग हैं, वो चीज़ देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, वो ये देखते हैं कि पाकिस्तानी लोग हमारे बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे इधर तो ये कहते हैं यार
एक ही बात कर देते हैं, लेट्स सपोज इंडिया पाकिस्तान पे हमने वीडियो बनाई है, पहला टैग लगेगा गद्दार, ये देखो पाकिस्तान में रहता है इंडिया के बारे में वीडियो बना रहा है, यार ये क्या नॉनसेंस है, बेहतर हो जाओ पाकिस्तानी हो, देखो मेरे हाथ कोई तरक्की वाल जाओ, थोड़ी मेहरबानी है। अब मैं आपको बताऊँ, रिसेंटली इंडिया जो है अपना वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है डिजिटल करेंसी, इंडियन डिजिटल करेंसी, और पाकिस्तान में अपनी डिजिटल करेंसी तो दूर की बात है भाई, पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी पे काम करना ही बैन है, तो हम किधर रह रहे हैं, बहुत पीछे रह रहे हैं मैम। हम क्रेडिट जाहिर है उनकी हुकूमत को जाता है, जाहिर है उनके जो मिनिस्टर्स हैं, जो रेलेवेंट लोग हैं, फिर उनका पूरा डिपार्टमेंट है, फिर महकमे में काम करने वाले लोग हैं उन सबको, और फिर आवाम को भी जो ट्रस्ट करती है उनके अपने सिस्टम पे, उनको जाता है, लेकिन ट्रस्ट बनाना पड़ता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ सिस्टम बना नहीं है, तो इसलिए फिर मसाइल हैं, और मसाइल की वजह से ये है कि हम नीचे जा रहे हैं और वो ऊपर जा रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, और उनकी फैसिलिटीज़ बेहतर हैं, ट्रेनों की हालत बेहतर है, टाइमिंग बेहतर है। मैंने खुद ट्रैवल किया इंडिया में, तो मुझे महसूस हुआ कि उनका सिस्टम जो है वो काफ़ी बेहतर है हमसे। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने वहाँ जा किस मसरूफियत से आप वहाँ? जब मैं गया था वर्ल्ड कप मैचेस कवर करने के लिए, तो मैं जो दिल्ली से फिर मैंने ट्रांसफ़र किया, मैं लाहौर से भी पाकिस्तान की ट्रेन में बैठ के पहले गया था यहाँ से, और फिर वहाँ जाके अटारी बॉर्डर से जो है इमिग्रेशन हुई, उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट उतरे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट कह रहा हूँ स्टेशन पर उतरे हैं, दिल्ली स्टेशन से फिर आगे जहाँ जहाँ पाकिस्तान के मैचेस थे फिर उसके लिए मूव करना होता था, तो मैक्सिमम ट्रैवल इसलिए ट्रेन में किया कि ट्रेन में आप रास्ते में ज़्यादा देख सकते हैं, कंट्री साइड को एंजॉय कर सकते हैं, और उनके कल्चर को देख सकते हैं, उनके माहौल को देख सकते हैं, तो वो एंजॉय भी किया, फिर डिफरेंस का भी अंदाज़ा हुआ कि उनके और हमारे रेलवे में डिफरेंस कितना है। क्या डिफरेंस फील किया? मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आया टाइमिंग के वाले से भी, नो डाउट के कुछ जो उनके कंजस्टेड इलाके हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेनों में जो लोकल टाइप की ट्रेनें हैं रश होता है, बेशुमार रश होता है, लेकिन बात यह है कि रश होने के बावजूद मैनेजमेंट अच्छी है कि लोग जो है वो ट्रैवल करना पसंद करते हैं, उसमें वो ट्रस्ट करते हैं उस सिस्टम पे, बस की बजाय ट्रेन में खड़े होकर इसलिए जाते हैं, उन्हें पता है इन टाइम पहुंच जाएंगे। एक ये भी मतलब उनकी प्रोग्रेस का राज है कि वो टाइम जो है वक्त पे पहुंचेगी, तो ऑब्वियसली वो अपनी कन्वेंस के बजाय वो ट्रेन में सफर करना ज़्यादा पसंद करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जो अब तो बहुत पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है, उन्होंने मेड इन इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रेलवे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेड इन इंडिया से खुद बनाना शुरू कर दिए हैं, यानी कि पहले तो वो इम्पोर्ट किया करते थे ना उसके टूल्स वगैरह, चाहे वो इंजन हो गया चाहे वो जो भी हो गया ट्रेन बनाने के लिए, लेकिन अब वो मेड इन इंडिया जो है सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम आप कर रही हैं जिसमें ये कभी रेलवे स्टेशन के पास आप खड़े होकर कर रही होती तो मैं आपको दिखाता वहाँ पे माहौल क्या है, या कभी मुगलपुरा की साइड पे जहाँ पे इंजन शेड का इलाका है, इत्तेफाक से मेरी रहायश उस तरफ है, तो मेरा रोज़ाना गुजर होता है वहाँ से, मैं देखता हूँ रेलवे की बेशुमार ज़मीनों पर बेशुमार लोगों के कब्ज़े किए हुए हैं, उसके अलावा रेलवे के ऑफिसर्स जो हैं उनके पास काफ़ी जो है रकबा है और रहायशें हैं, रेलवे की बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको कोई यूटिलाइज़ करने का तरीका नहीं है, जो बेशुमार ऐसी जगह पे प्रॉपर्टीज़ या रेलवे की हैं कि जहाँ पे आप कमर्शियल यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे बिल्डिंग्स खड़ी कर सकते हो, उनका किराया आ सकता है, उससे आप अपनी बोगियाँ खुद बना सकते हैं बजाय इसके कि चाइना से इंपोर्ट करें। हमारे यहाँ तो जो इंजन बेकार हुए हैं ये आप जाएँ तो ये इधर ब्रिज की तरफ गुलबर्ग में तो वहाँ आपको ऐसे नज़र आएगी नशियों की आमाजगा बनी हुई हैं वो बोगियाँ और उनका नजायज़ इस्तेमाल हो रहा है, फिर आखिर में यही होता है कि स्क्रैप में बिक जाती हैं। जो हमें रेलवे सिस्टम हमारे आया था आज़ादी के टाइम, मतलब जब दोनों मुल्क अलग हुए, जो हमारा जो रेलवे सिस्टम बना और हमने उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, और इंडिया ने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया उसका, उसका अब 50% से भी कम है, जो अंग्रेज छोड़ के गया से उससे कम हो गया 50%। फैसलाबाद से लाहौर नॉन स्टॉप जो है और समेत जो है मजमूई तौर पर तकरीबन 11 से 12 ट्रेनें होती थी, एक वक्त में 15 भी थी, अब 3 है, तो इसकी वजह यही है कि लोगों का ट्रस्ट जो है वो ख़त्म होता जा रहा है इसके सिस्टम पे। अब वो लोग प्राइवेट कोचेज और ये में सफ़र करना पसंद करते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे टाइमिंग भी एडजस्ट है और जो है किराया भी चलें थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये है कि कम से कम ये है कि जिस काम के लिए वो जा रहा है बंदा टाइम पर पहुँच के वो काम तो कर लेगा अपना। ये तो नहीं होगा ना कि काम अधूरा रह गया है। सही हो गया, अच्छा सही हो गया। आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाया जा रहा है आज की डेट? बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। आज आप YouTube देख लें, आज आप Google देख लें और दीगर जो है हमारे सोशल नेटवर्क्स देख लें, वो भी आप भारत से ही चल रहे हैं और भारत के लोग ही उसमें ज़्यादा आगे जा रहे हैं, तो ये
عوام کی گروتھ جو ہوتی ہے وہ حکمرانوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور میرے خیال سے نمبر ون کہنا میں کوئی غلطی نہیں ہوگی اس میں. اگر ہم کیا ہمیں بھی آج کی ڈیٹ میں ان سے سیکھنا چاہیے جس طرح وہ اپنے ریلوے سسٹم کو بہت تیزی سے بوسٹ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ان کی اکانومی کو بہت زیادہ بوسٹ مل رہا ہے اس سے, کیا کہیں؟ جی بالکل, ہمیں سے سیکھنا چاہیے. ہمارا اگر ریلوے کا ادارہ بہتر ہوگا تو ہمارا بے شمار چیزیں بہتر ہو جائیں گی, ہمارے لوگوں کو ریلیف ملے گا. جب لوگوں کو ریلیف ملے گا تو ملک میں ترقی آتی ہے, لوگ خوشی ہوتے ہیں تو ملک میں ترقی آتی ہے. آپ کا ریلوے کا نظام ہی بیٹھا ہوا ہے, ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے اور ان سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی تعلقات قائم ہوں اور ہمارا بھی کام جو ہے ان کی وجہ سے بہتر ہو, ہمارے ریلوے سیکٹر جو ہے ہم ان سے پوچھ سکیں آپ لوگوں نے کیسے بہتر کیا, ہمارا بھی بہتر ہو سکے تاکہ اس وجہ سے. سر یہ بتائیے گا کہ وہ ایک بہت بڑا پارٹ اپنے انفراسٹرکچر سے جو ہے وہ اپنے اکانومی میں اور اپنے ریلوے سسٹم سے اپنی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ وہ بڑے بزنس مائنڈیڈ مطلب بزنس مائنڈ سیٹ سے چل رہے ہیں, کیا کہیں؟ بالکل صحیح چل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دے رہے ہیں, عوام ان سے فائدہ لے رہی ہے, عوام خوش ہے. وہاں پہ عوام خوش نہیں ہوگی تو عوام ذہنی بات ہے وہاں پہ روئے گی, اور روئے گی تو کام نہیں ہوگا, کرپشن زیادہ بڑھے گی. تو وہاں پہ لوگ خوش ہیں اور وہاں پہ کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ لوگ خوش نہیں ہیں, لوگ رو رہے ہیں تو اپنی ضروریات کو پوری کر رہے ہیں. جب ضروریات سے بڑھ کر کسی کے پاس کوئی چیز آتی ہے نا تو وہ اس کو دوسروں کے لیے امپلیمنٹ کرتا ہے. میرے خیال سے بھارت اسی وجہ سے ترقی کر رہا ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ دوسروں کے لیے سوچ رہے ہیں اور آئی ٹی میں اور دوسرے جو چیزیں ان میں آگے جا رہے ہیں. کیا ایک آخری سوال سر, وہیں پاکستان کی بات کریں تو پاکستان آج کی ڈیٹ میں کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے, کیا کہنا چاہیں گے آج کی ڈیٹ میں پاکستان کا ریلوے سسٹم انڈیا کے ریلوے سسٹم سے اتنا پیچھے رہ گیا اور انڈیا کا ریلوے سسٹم اتنا آگے نکل گیا؟ ہمارے حکمران ریلوے سسٹم کو ہی کھا گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا ریلوے سسٹم شروع سے وہی ہے. ریلوے ٹریکس آپ دیکھ لیں, آئے دن وہاں بچے مر جاتے ہیں, آئے دن وہاں بے شمار حادثات ہو جاتے ہیں. ہم اس کو نہیں ٹھیک کر سکتے, ہم نے اپنی ریلوے کو کیا ٹھیک کرنا ہے. میرے خیال سے ریلوے کو ٹھیک کرنا چاہیے, تجارتی معاملات کے لیے بھی بہت بہتر ہے اور دیگر معاملے کے لیے بھی بہت بہتر ہے. سر وہیں ہم پاکستان کی بات کریں, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کا جو ریلوے سسٹم ہے جو ہمارے حصے میں آیا اور ہم نے اس کو اچھے سے یوٹیلائز بھی نہیں کیا آج کی ڈیٹ میں, کیا وجہ ہے کہ انڈیا کا جو ریلوے سسٹم ہے وہ آج کی ڈیٹ میں ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے؟ ہاں یہ وہ تو میں پہلے کر چکا ہوں بات کہ انہوں نے اپنے سسٹم پر توجہ دی ہے, انہوں نے ریلائی کیا, ان کو پتہ ہے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں, تو خاص طور پہ جو اکانومی ہے وہ ساری بیس کرتی ہے ٹرانسپورٹ پہ. تو انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ اہمیت کو سمجھا ہے اور اس پہ بھرپور توجہ دی ہے. دوسری طرف ہمارے یہاں جو ہے یہ سیاسی مسئلتوں کا شکار ہیں. آپ بھی دیکھیں کسی کوئی ایسی سیٹس بھی ہیں پاکستان ریلوے میں کہ جہاں چھ چھ بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں, ضرورت ایک کی تھی وہاں پہ, اور کئی اسٹیشنز اس طرح کے ہیں کہ جہاں پہ دس بندوں کی ضرورت تھی لیکن وہاں پہ آپ کو دو نظر آئیں گے. تو یہ امبیلنس جو ہے وہ سیاسی مفادات لوگوں کو دینے کے لیے کہ جی اب ایک منسٹر ہے اس کے علاقے کا 5,000 بندہ جو ہے وہ اس کو مختلف محکموں میں کھپانا ہے تو اس میں سے 1,000 کو ریلوے میں کھپا دو, یہ سلسلہ چلا. اس کے بعد یہ کہ جب یہ ہاتھ میں وسائل آئے ہیں جن لوگوں کے, تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ سسٹم پہ لگاتے, انہوں نے اپنی ذات پہ اور اپنے فیوریٹس پہ لگائے. اور اس کے بعد افسر شاہی ہے, وہ ہمارے ہر محکمے میں جو ہے وہ کردار اس طرح کا ادا کر دیا ہے کہ جیسے وہ مطلق العنان ہوتے ہیں اور ان کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ اس کا ان کے جو بڑے چھوٹے فیصلے ہیں یہ سب کا امپیکٹ جو ہے وہ انسانوں پہ ہوتا ہے, عوام پہ ہوتا ہے. تو اس چیز کی جب پرواہ نہیں کریں گے تو پھر مسائل تو ہوں گے. سر مسائل تو آبویسلی ہوں گے, اور ایک یہ بھی ایج رہا ہے انڈیا کو کہ ان کی جو ریلوے سسٹم ہے وہ ان کی اکانومی میں ایک بہت بڑا پارٹ کنٹریبیوٹ بھی کر رہی ہے. جی بالکل کر رہی ہے, بالکل کرتی ہے, ٹرانسپورٹ کرتی ہے, اور ٹرانسپورٹ میں سب سے ایزی ٹرانسپورٹیشن کا جو وے ہے اور سب سے سستا ہے, نہ صرف کہ یہاں پہ بلکہ پوری دنیا میں سب سے سستا ٹرانسپورٹیشن کا جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک انجن جو ہے وہ 20-40 بوگیاں جو ہے اس کو کھینچ دیتا ہے, اور اس کے بعد پورٹنگ آسان ہے, اس کو لوڈنگ ان لوڈنگ آسان ہے, سڑکوں گلیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی جس طرح ٹرک ہیں, ٹریفک میں پھنسنے کا چکر نہیں ہوتا. تو اس لیے بڑا اہم فیکٹر ہوتا ہے ریلوے کا کسی بھی ملک کی معیشت میں. تو وہ انڈیا نے اس کو اکنالج کیا اور ہم لوگ جو ہیں وہ مختلف مفادات کے تحت جو ہیں اس کو نظر انداز کرتے رہے ہیں. پاکستان میں کیا آپ کو یہی تو میں کلپ رہا ہوں, پاکستان کہیں نہیں سٹینڈ کر رہا, پاکستان ابھی بھی جنگلوں والے دور میں گزر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, پاکستانیوں میں خود پاکستانی ہوں لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے, اب میں بھی آپ کے یہ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے تو بعد میں مجھے یہ کہیں گے یار دیکھو پاکستانی ہو گئے انڈین کی حمایت, اور یار سچ بولو, اگر ہم پاکستانی ہیں ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کا سب سے بڑا یہی شیوا ہے کہ وہ سچ بولتا ہے اور سچ کو تسلیم کرتا ہے. انڈیا ہمارے سے آگے نکل چکا ہے, مانو اور اس سے سیکھو, ہوش کے نہ ہوں لو عقل سے کام کرو. تھینک یو.